बिहार धान आदि प्राप्ति 2022-23 ऑनलाइन अप्लाई। बिहार धान आदि प्राप्ति ऑनलाइन, बिहार धान आदि प्राप्ति ऑनलाइन आवेदन शुरू। बिहार के सभी किसानों के लिए सरकार के तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तरफ से जारी इस नोटिस में धान आदि प्राप्ति के लिए जारी किया गया है। ऐसे किसान जो अपना धान पैक्स या व्यापार मंडल में बेचना चाहते हैं तो उन्हें इसके तहत ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से शुरू कर दिए गए हैं। बिहार धान आदि प्राप्ति 2022-23 ऑनलाइन अप्लाई। इसके साथ ही इस नोटिस में बताया गया है कि धान की कीमत क्या होगी, रैयत और गैर रैयत किसान किस प्रकार से आवेदन करना होगा और वह इसके तहत कितना धान बेच सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे विस्तार में दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर देखें। बिहार धान आदि प्राप्ति 2022-23 ऑनलाइन अप्लाई। पोस्ट नेम बिहार धान आदि प्राप्ति 2022-23 ऑनलाइन अप्लाई। बिहार धान आदि प्राप्ति ऑनलाइन, बिहार धान आदि प्राप्ति ऑनलाइन आवेदन शुरू। पोस्ट डेट 18/10/2022। सेम नेम बिहार धान आदि प्राप्ति। ऑफिशियल नोटिस डेट 18/10/2022। अप्लाई ऑनलाइन। हेल्पलाइन नंबर। ऐसे किसान जो अपना धान पैक्स या व्यापार मंडल में बेचना चाहते हैं तो उन्हें इसके तहत ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इस नोटिस में बताया गया है कि धान की कीमत क्या होगी, रैयत और गैर रैयत किसान किस प्रकार से आवेदन करना होगा, इसके बारे में नीचे विस्तार में जानकारी दी गई है। बिहार धान आदि प्राप्ति 2022-23 ऑनलाइन अप्लाई। बिहार धान आदि प्राप्ति के लिए बिहार सरकार के तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके लिए DBT के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे किसान जो अपना धान बेचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करें। इसके लिए आवेदन कैसे करना है इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे विस्तार में दी गई है। 1 नवंबर 2022 से धान आदि प्राप्ति की शुरुआत हो रही है। धान आदि प्राप्ति के समय आप अपनी पसंद के किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल पर धान बेच सकते हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी नीचे विस्तार में दी गई है। इसके लिए आवेदन करने का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। किसी भी तरह की तकनीकी समस्या होने पर 0612-25-0630-7-1800-1810 से संपर्क करें। धान आदि प्राप्ति 2022-23 ऑनलाइन अप्लाई। इम्पोर्टेंट डेट। खरीफ विपणन मौसम 2022-23 अंतर्गत धान आदि प्राप्ति कार्यक्रम तिथि पर बिहार में दिनांक 1/11/2022 से एवं दक्षिण बिहार में दिनांक 15/11/2022 से प्रारंभ होकर 15/2/2023 तक प्रभारी रहेगी तथा अधिप्राप्त धान के समतुल्य फोर्टिफाइड चावल यथासंभव रोटिफाइड उष्ण चावल की प्राप्ति दिनांक 1/11/2022 से 31/7/2022 तक के लिए प्रभारी होगी।
1 नवंबर 2022 से धान आदि प्राप्ति की शुरुआत हो रही है। धान आदि प्राप्ति के समय आप अपनी पसंद के किसी भी पेक्ष या व्यापार मंडल पर धान बेच सकते हैं। बिहार धान आदि प्राप्ति 2022-23 ऑनलाइन अप्लाई। बिहार सरकार द्वारा निर्धारित धान का मूल्य सरकार के तरफ से धान के फसल को देखते हुए दो प्रकार में बांटा गया है। 1 नंबर साधारण धान, 2 नंबर धान ग्रेड ए। दोनों प्रकार के सरकार के तरफ से अलग अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। धान ग्रेड ए के धान को बेहतर माना जाता है, इसीलिए इसके लिए साधारण धान से अधिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। साधारण धान 2040 रुपये प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 2060 रुपये प्रति क्विंटल। धान आदि प्राप्ति 2022-23 ऑनलाइन अप्लाई। रैयत और गैर रैयत किसान के धान की मात्रा। रैयत तथा गैर रैयत किसान के लिए धान की मात्रा अलग अलग मात्रा तय की गई है, जिसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। रैयत किसान के लिए अधिकतम धान की मात्रा 250 क्विंटल, गैर रैयत के लिए अधिकतम धान की मात्रा 100 क्विंटल। बिहार धान आदि प्राप्ति 2022-23 ऑनलाइन अप्लाई। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। रैयत किसान, किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक पासबुक, खेत का रसीद इत्यादि। गैर रैयत किसान, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक पासबुक, स्वघोषणा पत्र इत्यादि। बिहार धान आदि प्राप्ति 2022-23 ऑनलाइन अप्लाई। ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले DBT के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहां जाने के बाद आपको खरीक धान आदि प्राप्ति 2022-23 का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जहां आपको किसान पंजीकरण संख्या डालकर सर्च करना होगा। इसके बाद आपके सामने धान आदि प्राप्ति के लिए आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसे भरकर सभी मांगे गए दस्तावेजों के स्कैन करके अपलोड करें। इसके बाद आप अपने आवेदन को जमा कर दें। इस प्रकार से आप बिहार धान आदि प्राप्ति के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।